साइबर सिटी में अपराधियों को खाकी का कोई खौफ नहीं रहा। तभी तो सेक्टर 67 में बनी पिरामिड अफोर्डेबल सोसाइटी में नकाबपोश बदमाशों ने एक दो नहीं बल्कि 25 कारों के शीशे तोड़ डाले और फरार हो गए। वारदात से सोसाइटी में रहने वाले लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। सोसाइटी में कारों के शीशे तोड़े जाने की जानकारी मिलते ही थाना सेक्टर 65 पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। नाम है आपका? क्षितिज। क्षितिज, ये बताइए, रात में आपने जो यहाँ पर गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे उनको देखा, क्या पूरी इंसिडेंट हो रहा था वो बताइए जरा। रात को 1:50 पे मैं अपना गाड़ी से कुछ सामान निकालने आया था, अपने डॉग्स को साथ लेके आया था वॉक कराने। मैं उधर से आया, मैंने देखा आवाज़ें आ रही हैं और दो लोग वहाँ पे ईंटें मार रहे हैं गाड़ियों के शीशों में, धड़ाधड़ कुछ नहीं देख रहे इधर उधर, वो बस मारे जा रहे हैं। फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया उन पे और मैं उनकी तरफ बढ़ा। जैसे मैं उनके पास पहुँचा, उन्होंने पहले एक ईंट का पत्थर मेरे पे मारा दूर से, वो बच गया। फिर उन्होंने एक और मारा, फिर वो भी बिल्कुल मेरे आगे ही गिरा। मैं फिर पीछे हुआ, वहाँ पे एक गार्ड खड़ा था। मैंने उस गार्ड को बोला, भैया वहाँ पे शीशे तोड़ रहे हैं, वो ईंट मार रहे हैं। वो गार्ड बोला, ये मेरा एरिया है, इस एरिया से मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर मैं वहाँ से इधर आया, यहाँ पे ये भाई साहब गार्ड ये खड़े थे जो अभी खड़े हैं, इनको मैंने बोला, इनको बोलते ही ये इधर को भाग के आ गए। फिर वहाँ गया हूँ मैं, इतने में वो बंदे भाग गए। कितने लोग थे गाड़ी? दो लोग थे। चेहरे ढके हुए थे, उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार के उसी से मुंह ढके हुए थे और अंदर कुछ नहीं था। क्या कदकाठी से पहचान में आता कि पहले कभी देखा हो इधर या नहीं? वो कुछ, जहाँ तक मुझे लगता है, वो कुछ ऐसे ही रोड साइड नशेड़ी थे, चर्सी वगैरह उस तरह के लोग लग रहे थे वो। नाम बताइए। मेरा नाम निखिल पटेरिया है, मैं सेक्टर 67A पिरामिड अर्बन होम्स द्वारका, सॉरी बादशाहपुर में रहता हूँ। निखिल जी, क्या हुआ है यहाँ पर, क्यों गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं और कितनी गाड़ियों के शीशे आज तोड़े हैं? आज करीब रात में 2:30 के आसपास 19 से 20 गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं। आप ये बकायदा मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। मॉर्निंग में हम लोग जाके पुलिस कंप्लेन भी की है, पुलिस से अभी पॉजिटिव रिस्पांस तो आया है। उन्होंने ये बोला है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसा भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो हमें कम्युनिकेट करेंगे आगे जाके। यहाँ बाहर गाड़ियाँ क्यों खड़ी होती है और क्या डाउट है आपको, किसने तोड़े होंगे? सर, बाहर खड़ी करने का ये है कि सर पिछले 1.25 से गाड़ियाँ बाहर खड़ी हो रही हैं। बीडी फैसिलिटी और पिरामिड ने अलाउ किया हुआ है गाड़ी खड़ी करना यहाँ। पहले 1 महीने के पहले तक यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ नहीं होती थी, तो हम लोग की गाड़ियाँ बाजू में एक पेड पार्किंग है, वहाँ हम लोग पार्क करते थे। अभी जो गाड़ियों का कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के अकॉर्डिंग होता है, जिसको स्पेस मिलता है वो पार्किंग लगा के जाता है। बट यहाँ पे आप देखें तो जो गाड़ियाँ टूटी हुई हैं वो टूटी हुई हैं माउंटेन ड्यू की बॉटल से, बियर की बॉटल से और इतने बड़े बड़े ईंट और खंडों से। इसका मतलब ये है कि और कोई भी आदमी, एक आदमी मिलकर इतना बड़ा अंजाम नहीं दे सकता है, ये कोई समझी हुई किसी के द्वारा स्टोरी बनाई गई है ये। और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हमें नहीं मिला है जो हमें ये बता पाए कि रात को क्या हुआ।